रॉबिन जी, आप भी क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्तित्व में शुमार करते हैं, तो आपका नाम करें। अमित त्यागी अतराणा, आप तीनों से भी निवेदन है कि बहुत जल्दी करके मंच पर आ जाओ, बस आधे मिनट में। कार्य किए हैं और जो शोषित वर्ग है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, आदरणीय श्री चंद शर्मा जी हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, तो मैं एक बार पुनः फिर उनका धन्यवाद करते हुए और इस कार्य ग्राउंड कंपटीशन के बहुत ही धनी कलाकार भाई जोगिंदर नागर अट्टाबाई जोरदार ताली हो के, जब कश्मीर पर संकट मंडरा रहा था, वो भारतीय सैनिक कहते हैं, सुनवाते हैं भाई जोगिंदर नागर। उपस्थित इस सैनिक सम्मान समारोह में मां सरस्वती के प्रांगण में आए दूर दराज के समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। आज के इस 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आज के इस कार्यक्रम में जब यह आयोजन किया गया भाई परमानंद जी की सलाह से और मैं निमंत्रण लेकर लोगों के बीच गया, तो कई सवाल थे कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों। भूमिका में बता देना चाहता हूं कार्यक्रम का मतलब क्या है। साथियों, तन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस लक्ष्य को लेकर पीवीएस धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समिति ने और हमारे सब प्रयास ने, हमारी कमेटी के प्रयास ने का आयोजन किया कि हमें लगता नहीं कि शहीदों की चिताओं पर मेले लगते हैं, क्योंकि मन में एक संशय था सभी युवाओं के और सभी युवाओं ने थाना ये कहा कि शहीदों की चिताओं पर ना रौनक है ना मेले हैं। गंभीरता के साथ बात को सुने कि शहीदों की चिताओं पर ना रौनक है ना मेले हैं, शहीद हमेशा अकेले थे, शहीद हमेशा अकेले हैं। जोरदार तालियों से शहीदों के नाम। लेकिन समिति ने यह करके दिखाया कि शहीदों की चिताओं पर अब मेले लगेंगे और शहीदों को अकेला हम नहीं छोड़ेंगे। सबने शहीदों का दर्द बांटा सम्मान समारोह में और मैं कहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर ये मेले लगने चाहिए। और यदि इस एक छोटी सी समिति ने आयोजन किए तो अन्य ऐसी समिति बने जो मेले लगाए, क्योंकि आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली है। आज़ादी के प्रतीक के तौर पर मेरठ जिले को देखें, चाहे बुलंदशहर जिले के काले आम की हमको याद आए, चाहे धोलाना के उस बरगद पेड़ की हमको याद आए जहां बाल शहीदों पर अंग्रेजों ने कुत्ते छुड़वा दिए थे और नोच नोच कर कुत्तों ने उन शहीदों को खाया, ऐसे शहीदों का उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। उन्हीं के कर्जदार होते हुए हमने ये कार्यक्रम कराया, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलने सिर्फ यही कहा था कि मत तंग दिल हो सनम, मत तंग दिल हो सनम, तेरा क्या होगा, एक दिन अपनी ही जमी अपना ही आसमान। अगर फांसी का डर होता चढ़ाता भेंट माता की, अगर एक और सर होता चढ़ाता भेंट माता की, अगर एक और सर होता। अंग्रेजों डराने का काम कर रहे हैं, ज्यादा होगा भी से कम का तुझे पता ना लगे। आपको भारत माता का सपूत कहलाया है, यदि इस देश के लिए मुझे एक बार और जन्म मिले तो मैं दोबारा इस देश के काम आऊंगा और इस फांसी को फिर से खाऊंगा। साथियों, जेल में तरह तरह की यात्राएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। शहीद आजम सरदार गया, तेरी माँ तुझे सलाखों के पीछे देखकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तू देश के काम आ रहा।
कहता है माँ आप खुश तो हैं, लेकिन 23 साल के बालक न जाने क्या क्या अरमान तुम्हारे हो गए। वो तुम्हारे बीच से जा रहा है, इसलिए ज्यादा खुश देखा था। माँ कहती है कौन सा दिन था लाडले के माँ, जब परिवार में भाई की शादी थी, भाई दूल्हा बन रहा था, तो तूने अगड़ पड़ोसन चाची ताई सारी इकट्ठी कर रखी थी माँ, और बहुत सुंदर घुड़चनी का मंगल गीत गाया था माँ। आज भगत सिंह भी दूल्हा बन रहा है माँ, देश को आजाद कराने के लिए जा रहा है, आजादी को ब्याह कर लाने के लिए जा रहा है, इसीलिए बैठे बुजुर्गवार नौजवान साथियों, इस आवाज को सुनते ही गंगा जैसी पवित्र मेरी माता बहने इस स्टेज पे बैठे हुए सभी मुझे सीनियर कलाकार संगीतकार साउंड मास्टर जी को इस मीनू की तरफ से प्यार भरी नमस्कार वे राम राम करती हूँ। आइए एक देश भक्ति गाने का मौका मिला और आज हम सब जो बैठे हुए हैं आज उन वीरों की वजह से बैठे हुए हैं। आइए इस बात में कवि ने क्या लिखा सुनते हैं। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। आई अरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े
जो भी अपनी कोख से जन्म दे, सभी अपनी कोख से एक शेर को जन्म दे। और क्या लिखा,